दर्शकों, मैं हूं रत्नाकर और आज की इस खास मुलाकात में आपसे बात करने जा रहा हूं भारत की परंपरा और उसकी एक ऐसी थेरेपी के बारे में जिससे जो हमारे बिल्कुल जीवन से जुड़ी है। आज इस थेरेपी यानी मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा भारत की प्राचीन परंपरा है, ग्रंथों का हमारे साथ में जो एक संबंध रहा है, कई ऐसी चीज़ें जो है जो हमारे जीवन से और हमारे घरों से जुड़ी हैं जो हमें एक स्वस्थ जीवन की कामना की ओर ले जाती हैं। ये आयुर्वेदा क्या है, ये जब हमने बात की हमारे जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता जी से, इन्होंने कई सारी बातें बताई, वही बातें हम आज हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने चाहते हैं और वो डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता जी के ही ज़ुबानी। डॉक्टर साहब, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप आयुर्वेदा को किस नज़र से देखते हैं? आपका काफ़ी अध्ययन रहा है और काफ़ी आपने रिसर्च भी किया है, तो आप आयुर्वेदा को किस एक ऐसे धरोहर की तरह मानते हैं, तो क्या बताएंगे आप इस प्राचीन धरोहर के बारे में? एक तो सबसे पहले सभी को मालूम है आयुर्वेदिक एक सबसे पुराना प्राचीन शास्त्र है जी। ये केवल शास्त्र ही नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी जीवन जीने की एक कला है या पद्धति है। सारे जो ट्रीटमेंट आज के तारीख में अवेलेबल है उसमें अगर आज माना जाए तो आयुर्वेदिक एक सबसे पुराना ट्रीटमेंट है, जो कई ग्रंथों में मिलता है 500 साल पुराना है, कोई ग्रंथों में मिलता है 1000 साल पुराना है, कहीं कोई रिसर्च हुआ तो पता चलता है कि 4000 और 5000 साल पुराना है जी। यानी ये बोलना कहीं पर भी गलत नहीं होगा या अतिशोक्ति नहीं होगी कि धरती का निर्माण जब से हुआ है तब से आयुर्वेद चलते आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आयुर्वेद बोले तो जो प्रकृति है यही आयुर्वेद है। प्रकृति में जो वनस्पतियाँ उपलब्ध है या जो जमीन में खनिज उपलब्ध है, इसी से ही भस्म रसपतियाँ बनती है और जो वनस्पतियाँ है इसी से ही आयुर्वेदिक की दवाइयाँ तैयार होती है जी। तो ये कहीं ना कहीं सबसे प्राचीनतम पद्धति है और ये मानव से काफ़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि बेसिकली नेचर और मानव ये दोनों एक ही है। जिसको हम ये भी बोलते हैं आयुर्वेद में, जैसे मानव शरीर जो है ये पंच तत्व से बना हुआ है जी। तो पंच तत्व जो है ये सारी चीज़ें प्राकृतिक है और प्राकृति ही यानी आयुर्वेद है। तो मानव और प्रकृति ये दोनों ही आयुर्वेद है और मानव जब से है, पृथ्वी जब से है, तब से आयुर्वेद चलते आ रहा है। तो ये बहुत पुरानी प्रकृति है और इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा लाभकारी इसलिए होता है क्योंकि ये मानव के पंच तत्व को बैलेंस करते हुए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उचित और अच्छा है। और इसके सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो नेचुरल चीज़ें जो है हमारे शरीर को हानि पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आज की जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो उसके कई साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जबकि आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स उसकी तुलना में काफ़ी कम है। एक दौर है जो आज का जो हम मॉडर्न युग है, इसमें आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार इतना नहीं है, अगर मैं एलोपैथी या दूसरी थेरेपी की, तो ऐसा क्यों है? असल में हुआ ये है कि इतने पुराने समय से इसमें सही तरीका रिसर्च नहीं हो पाया, जिसको R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इस पर नहीं हो पाया। इसके कई कारण हैं, उसमें मुख्यतः एक कारण है, जैसे अगर मेरे पास कोई पुराना फॉर्मूला है या हमारे वैद्यों के पास पुराना फॉर्मूला था, उन्होंने उसको कहीं एक कॉपी में सही तरीके से वर्णन नहीं किया या उन्होंने कहीं उसको इस हिसाब से लिखा कि उसको उनके बाद वाली जनरेशन सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाई जी। तो वो जो फॉर्मूला है जो पास ऑन नहीं हो पाया है या जो डिकोड नहीं हो पाया है, उसके कारण उसका वो लेवल पे प्रचार और प्रसार नहीं हो सका है। अभी भी कई सारा क्या होता है, कई इंटीरियर में, कई गांव देहात में वगैरह कोई किसी के पास कोई थेरेपी होती है कि नहीं भैया मेरे पास पीलिया का पेशेंट लाओ, मैं उसको 3 दिन में ठीक कर देता हूँ, मेरे पास पाइल्स का पेशेंट लाओ, मैं उसको 2 दिन में ठीक कर देता हूँ। वाकई में ऐसे फॉर्मूले उनके पास है, लेकिन होता क्या है, उस फॉर्मूले को वो पुड़िया में बांध के, एक छोटी सी पुड़िया बना के पकड़ा देते हैं, वो फॉर्मूला ओपन नहीं हो पाता है। वो फॉर्मूला ओपन नहीं होने से वो जो दवाई है वो छुपी रह जाती है जी। अगर वो व्यक्ति चले जाए या वो वैद्य जो है पुराना वो चले जाए तो फॉर्मूला वहीं पर सीमित हो जाता है जी। इसीलिए इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से या जो बड़ी कंपनियां है, इन्होंने क्या करना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला जो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास है उनको एक प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, वो फॉर्मूले पे रिसर्च करना चाहिए और ऐसे पुराने फॉर्मूले को आम जनता तक पहुंचाने का, मतलब पब्लिक पब्लिक तक पहुंचना चाहिए और उस पर अगर वो रिसर्च करते हैं तो हमारे को कई सारी बीमारियों के लिए इंस्टेंट रिजल्ट वाली दवाइयां मिल जाएंगी जो एकदम बिजली की रफ्तार से काम करेंगी और पेशेंट को बहुत ही जल्दी उसका फायदा मिल पाएगा। तो उस
जो फॉर्मूले थे जो पुराने उन्होंने अपने पास रख लिए, जो ओपन नहीं कर पाए, उस पर जो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उस कारण आयुर्वेदिक का उतना प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, एक पीढ़ी जो है, आधुनिक पीढ़ी जो है, अभी बढ़ रही है और कई लोगों को लगता है कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए, मैंने ये बनना चाहिए, तो आयुर्वेदा के तरफ जो है युवा पीढ़ी का झुकाव बढ़े या एक युवा वर्ग ने इस तरफ आए कि मैंने आयुर्वेदा का डॉक्टर बनना चाहिए, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? आयुर्वेदिक एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है कैरियर के हिसाब से। अभी जैसे कोरोना काल में भी लोगों को समझ में आया कि आयुर्वेदिक की जो दवाई है बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलता है, इसलिए अभी काफ़ी लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है और आगे भी इस पे जैसा जैसा रिसर्च होते जाएगा या जैसे नई पीढ़ी डॉक्टर्स बनते जाएंगी और वो इसके ऊपर जितना मन लगा के और प्रोसेस करते जाएंगे, वो हिसाब से इसका विकास और होते चले जाएगा। जैसे अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी आयुष मंत्रालय बना दिया है जो आयुर्वेदिक के प्रचारों को बेसिकली आयुर्वेदा कोई प्रमोट करता है, आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट के तरफ से भी काफी सपोर्ट चालू है इस चीजों के लिए। अब लोगों का जैसा जैसा इसमें इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ते चले जाएगा और काफ़ी सारी दवाइयाँ अभी आ चुकी है जो पेशेंट को बहुत जल्दी ट्रीट करने में मदद करती है और आगे भी जैसे इसके डॉक्टर्स बढ़ते जाएंगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और उनका रिसर्च वर्क भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी नए तरीके के डॉक्टर कैसे हो गए, वो ऑन पेपर हर काम कर रहे हैं जी, उनके फॉर्मूले बाकायदा वो लोग राइटिंग में लिख रहे हैं, लोगों तक वो फॉर्मूले पहुंचा रहे हैं, कई सारे माध्यम जो मीडिया है अपना, न्यूज़ मीडिया, पेपर मीडिया, ये भी आयुर्वेदिक प्रचार और प्रसार के लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं, उनके थ्रू भी लोगों को, जैसे अभी गिलोय वनस्पति आई तो गिलोय वनस्पति का जो संशोधन हुआ गवर्नमेंट ने जो किए, CCRM ने किए, बाकी डॉक्टर्स ने जो अध्ययन किए उसको न्यूज मीडिया ने प्रिंट किया या अपने माध्यम के थ्रू जनता तक पहुंचाया, तो लोगों को उससे पता चला कि गिलोय एक जो कॉमन वनस्पति है जो अपने हर घर के बाजू में अवेलेबल है उसको हम कितने सारे बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। गिलोय है, तुलसी है जिसका भी आयुष काढ़ा आयुष मंत्रालय ने बताया था, तो इसमें आप देखे जाएंगे तो सारी कॉमन चीजें हैं, तुलसी, काली मिरे, सोंठ, गिलोय, इसका जो काढ़ा, ये सारी चीजें अपने घर में, अपने किचन में मिल जाती है। इसमें कैसा है, घर के लोग ही ये सारी चीजों को यूज करके, यानी एक कॉमन व्यक्ति भी वो चीजों को समझ के उसका यूज करके उसका फायदा उठा सकता है, और उसको फायदा मिल रहा है क्योंकि जो हिसाब से अभी आयुर्वेद का प्रसार हो रहा है और न्यूज मीडिया और प्रिंट मीडिया उसको प्रमोट कर रहा है, वो हिसाब से लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसी से पूरे लोगों का स्वास्थ्य लाभ भी काफी अच्छा मिल रहा है लोगों को। डॉक्टर साहब, जो एक कोरोना काल जो था या अब भी है, अभी हम तीसरी लहर का भी इंतजार करें, डरे हुए, सहमे हुए, तो आयुर्वेदा इसको किस तरह से देखता है पूरी स्थिति को? देखिए, कोरोना थर्ड वेव आएंगी, कितना इफेक्ट करेंगी वो तो समय और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आज जो लोगों को चाहिए, उन्होंने गवर्नमेंट के दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर यूज किए और आयुर्वेद में जो इम्यूनिटी को अच्छा कर सके वो दवाइयाँ लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। ये एक मौका है, यानी प्रकृति एक मौका दे रही है आपको कि आप आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए, जो अपने से गलती हो गई थी, जो अपन लाइफस्टाइल अपना खो बैठे थे, समय असमय खाना, समय असमय सोना, उस चीज़ को अगर हम सुधारेंगे धीरे धीरे तो बॉडी का जब इम्यून सिस्टम अच्छा होना चालू हो जाएगा, योगा प्राणायाम करना चालू करेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी जिस हिसाब से बढ़ाएंगे, तो अपन कई सारी ऐसी जो बीमारियां फ्यूचर में भी आने वाली है उससे लड़ने के लिए अपने बॉडी के अंदर अपने सोल्जर्स तैयार रहेंगे, ताकि वो बीमारियाँ हमको कम से कम इफेक्ट कर सके और हमें बीमारियों से जल्दी निजात पा के बाहर आ सके। ये बहुत सही बात कही है कि हमारे अंदर ही, हमारे शरीर के अंदर ही हमारे सोल्जर जो है हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते हैं। ज़रूरत है उस उन सोल्जरों को समझने की, उन्हें पनपने की, ताकि हम आने वाली जो भी बीमारियां हैं उनसे हम बच सकें। आयुर्वेदा एक ऐसी थेरेपी है जो आपको आने वाली किसी भी भयानक बीमारी से बचा सकती है, बशर्ते कि आप इसका सही इस्तेमाल करें, सही सलाह के साथ में इस्तेमाल करें और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसका आप अपने जीवन में अंगीकार करें। हमारे साथ में बात कर रहे थे डॉक्टर गुप्ता जी, मैं इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा इस विषय पर प्रकाश डाला और हम इसी के साथ ही इस चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। ऐसी चर्चा के साथ में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, हम चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।